दोस्तों, अगर आप एक सिंगर हैं या एक रैपर हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ऑटोट्यून का नॉलेज होना चाहिए। ऑटोट्यून के हेल्प से ही आप अपने पिच को करेक्ट यानी कि परफेक्ट बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑटोट्यून क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले समझिए कि ऑटोट्यून होता है क्या। मान लीजिए आप कोई सॉन्ग गाते हैं तो वहाँ क्या होता है, आपका स्केल है, मान लीजिए सी शार्प आपका स्केल है, तो आप सॉन्ग गा रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, सुर से आउट हो जाते हैं, स्केल से बाहर चले जाते हैं या स्केल के बहुत ही डाउन हो जाते हैं। तो अंत में आप अगर ऑटो ट्यून लगा देते हैं तो ये क्या करता है, आपके सॉन्ग का जो भी लाइन है सुर से आगे बढ़ा है यानी कि स्केल से आगे बढ़ गया है या डाउन हो गया है, उसको परफेक्ट बैलेंस कर देता है, मतलब करेक्ट कर देता है। चलिए, अब हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि ऑटोट्यून कैसे किया जाता है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बैंडलैब ऐप ओपन कर लेना है। अब प्लस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वॉइस यानी वोकल में जाना है। अब क्या करना है, कोई भी सॉन्ग यहाँ पे आपको रिकॉर्ड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर लेता हूँ। दोस्तों, हमने सॉन्ग गा लिया है, एक लाइन सुना देता हूँ, माफ़ करना अच्छे से नहीं हुआ है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। अब क्या करेंगे, हम ऑटो पिच पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहां समझिए दो बटन्स है, एक की का है और एक ऊपर में बटन है जो है, इसका मतलब कितना वॉल्यूम आपको रखना है। सबसे पहले की क्या है ये समझ लीजिए, बहुत लोग ये में इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना रखना है क्या रखना है। यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, डी बी जी माइनर मेजर, ये क्या होता है ये समझ नहीं पाते हैं हम। सिंपल से आप सरगम में सुने होंगे, सा रे गामा प ध नी सा, सा को हम बोलते हैं सी, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी का लेटर, सी डी ई एफ जी ए बी। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, हम प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है रियाज। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है सॉन्ग प्रैक्टिस के लिए, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब आपको मी में क्लिक करना है, प्रोफाइल में आ जाना है, यहां पे आपको वोकल रेंज आपका क्या है ये पता कर लेना है। तो आप लो ऑक्टेव में मतलब धीरे से कुछ भी गाइए, सा या आ सा, अब जोर से गाना है सा, तो यहाँ पे इसने बता दिया 0.5 ऑक्टेव का डिफरेंस है और हमारा जो है C3 है, मतलब C जो है ये हमारा स्केल है। अब ये C3 CG3 ये क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए, आपने कीबोर्ड पे हारमोनियम पे देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है आप एक सरगम जानते होंगे, सारे गामा प ध नी सा, तो वो सा से स्टार्ट होता है उसको सी बोलते हैं, वहाँ से आप अल्फाबेटिकल कर लीजिए सी डी ई एफ जी फिर उसके बाद ए बी। तो हारमोनियम में आप जो की देखते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1, उसके बाद होता है फिर वही रिपीट होता है, उसका बोलते हैं हम C2 D2 E2, ऐसे ही करते करते आ जाता है C3 पे C4 पे ऐसे जाता है। तो अब समझ लीजिए वो जो पहला जितना हुआ उसको बोलते हैं ऑक्टेव, फिर उसके बाद ये दूसरा C2 से स्टार्ट हुआ वो दूसरा ऑक्टेव, तीसरा ऑक्टेव, तो ये दिखा रहा है ऑक्टेव, समझ में गए आगे। तो यानी हमारा C3 जो है वो हमारा ऑक्टेव हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस ऐप पर, यानी सी आपको यहाँ पे आप की में देखिए सी आपको बहुत मिल जाएंगे, एक सी यहाँ पे है, सी माइनर में है, सी मेजर में है और एक सी शार्प मिल जाएगा आपको। ठीक है, सी शार्प माइनर। अब तीनों पर हम चेक करते हैं कहाँ पे हमारा वोकल अच्छा होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे इसको फुल कर देते हैं।
ठीक है, हैवीएस्ट हो गया। अब हम प्ले करते हुए तीनों पर रखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर चेक कर लेते हैं सी में, सी माइनर में कैसा आवाज हो रहा है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नते मेरे साथ हो, तू जो पास हो। यहाँ अच्छा लग रहा है। चलिए हम आगे इसमें भी चेक कर लेते हैं सी मेजर में, वही चीज। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नते मेरे। यहाँ देखिए जन्नते, यहाँ पे रोबोटिक वॉइस आने लगा। ठीक है, हमको लगता है ज्यादा ही इसका वॉल्यूम दे रहे हैं, इसके लिए होता रहा है कि नहीं। फिर से हम देखते लेते हैं। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नते। देखे जन्नते जो ये स्केल से अप हुआ है, वहां पे ये कुछ ज्यादा रोबोटिक कर दिया है। तो हम इसमें नहीं, सी मेजर में नहीं, अभी यहां चेक कर लेते हैं सी माइनर में। यहां पे देखते हैं सेम वही प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नते मेरे। यहां ठीक है, ठीक है, सी माइनर में भी मुझे अच्छा लगा। और यहां पे सी माइनर, ये भी सी शार्प माइनर था, सी माइनर, इसमें भी जन्नते वाला वर्ड जो है मेरा ज्यादा रोबोटिक नहीं हुआ है। देखिए मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नते मेरे साथ हो। अब समझ गए होंगे, आपको सब में एक बार जज करना है, पूरे सॉन्ग आपको सुन लेना है, कहीं रोबोटिक वॉइस तो नहीं आ रहा है। आपको ये वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रखना है, हैवीएस्ट नहीं रखना है, आपको मीडियम में इतना रख सकते हैं इतना, ठीक है, 60-80 के बीच में। आपको खुद जज करना है, कितना ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा रोबोटिक वॉइस हो जाएगा। अब ये जो ई के बाद बी देख रहे हैं, इसको फ्लैट बोलते हैं, शार्प हैशटैग जो बोलते हैं उसको शार्प बोलते हैं। ये भी मैं आगे के वीडियो में आपको बता दूंगा। आई होप दोस्तों अब आप ऑटो ट्यून समझ गए होंगे, कैसे किया जाता है, कैसे करना है। अब इसको जब गा लेते हैं तो इसको सेव करने के लिए आपको सिंपली ऊपर वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेव कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।